वेलकम टू द बेसिक्स अकेडमी स्टूडेंट्स, ये पार्ट 26 है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। इसमें हम स्टडी करते हैं सिनोनिम्स की। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसी फॉर्म में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन देखिए, द डिफेंडेंट वॉज ग्रेटफुल फॉर द जज क्लीमेंसी। आप देखेंगे क्लीमेंसी को अंडरलाइन किया हुआ है और आपको इसका सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, क्लीमेंसी का मतलब होता है दया, मर्सी, यानी कि जो डिफेंडेंट था, जो समर्थक था, वो ग्रेटफुल था किसके लिए? जज की क्लीमेंसी के लिए, जज की मर्सी के लिए। तो राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, मर्सी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, एवरीवन हैज टू एनकाउंटर मैनी हार्डशिप्स इन लाइफ। हर किसी को एनकाउंटर करना होता है किससे? बहुत सारी परेशानियों से लाइफ में। आप देखें एनकाउंटर को अंडरलाइन किया हुआ, इसका आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना। तो राइट आंसर इज फेस, ऑप्शन ए। हर किसी को फेस करनी होती है बहुत सारी हार्डशिप्स लाइफ में। नेक्स्ट वन, द बेनिवोलेंस ऑफ द गॉड ऑफ रेन हैज सीन अ वेरी सक्सेसफुल मानसून दिस ईयर टू। आप देखेंगे बेनिवोलेंस को अंडरलाइन किया हुआ है। तो बेनिवोलेंस का मतलब होता है करुणा, कृपा दृष्टि। तो जो कृपा है, किसकी कृपा? गॉड ऑफ रेन की, वो देखी गई है बहुत ही। इस साल भी काफ़ी सक्सेसफुल मानसून रहा है। तो आप देखेंगे जो बेनिवोलेंस है, डेट मीन्स कृपा, दया, तो आंसर होगा काइंडनेस। इसका सिनोनिम हुआ काइंडनेस। नेक्स्ट वन, रीडिंग ऑफ पोएट्री इज नॉट कॉन्जेनियल टू हिज टेस्ट। आप देखेंगे कॉन्जेनियल को अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मीनिंग है कि जो रीडिंग ऑफ पोएट्री है वो उसके टेस्ट के अनुकूल नहीं है। तो आप देख, कॉन्जेनियल का मीनिंग होता है अनुकूल। तो अनुकूल का जो सिनोनिम होता है वो होता है सूटेड। सूटेड का मतलब मीनिंग भी क्या होता है? अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही वॉज वॉर्न एट द आउटसेट ऑफ हिज कैरियर। आप देखेंगे आउटसेट को अंडरलाइन किया हुआ है। इसका आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है होता होगा। और आउटसेट का मीनिंग होता है क्या? आप सेंटेंस दी गई, ही वॉज, उसको वॉर्न किया गया था कब? एट द आउटसेट ऑफ हिज कैरियर, उसके कैरियर के आउटसेट के समय, डेट मीन्स कैरियर के बिगनिंग। आउटसेट का मीनिंग होता है बिगनिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिगनिंग। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसी फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।